पहले हम लोग क्या देखे थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल डांस कर रहा था, उसी को देखे थे। देखे थे ना कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो उसमें मोमेंट शुरू हो गया था। और उसके बाद में क्या देखे, उससे पहले भी कुछ देखे थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताए थे कि नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं को हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब तो देख लिए। और हमने आपको बताया था कि उसमें सरफेस प्लेन भी हो सकता है, झुका भी हो सकता है, और क्लोज सरफेस भी हो सकता है। तो तीनों में हमने बताया था कि कैसे कैसे आप निकालेंगे तीनों का, ठीक है। लेकिन बंद बंद सरफेस के लिए, बंद के लिए याद होगा कि हमने इंटीग्रल करके इसमें गोल टिकुली साट दिए थे, तो टिकुली नहीं है, अच्छा वो रिंग है गोल की, बंद सरफेस के लिए। तो बंद सरफेस के लिए ये गौस साहब को खुजली होने लगी, हगवट कलकल होने लगा, उनको लगे खुजलाने कस के कहते हैं कि देखो इसके लिए नियम क्या होगा। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर ये कोई क्लोज सरफेस है, यानी पृष्ठ है, ये गोल अनशेप भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि गोल ही होगा, क्यूबिकल भी हो सकता है ना, स्क्वायर भी हो सकता है, या अनशेप भी हो सकता है कि नहीं। हमने थोड़ा सा गोल इसलिए खींचा कि अच्छा लगेगा। अरे रोटी कैसा हूँ बेल दे टेन बाकुल फूल जाए तो रोटी नो बजाई पक के भीतरे नो, लेकिन तनी गोल रहा ली तो नीमन लगा। तो देखिए यह बंद सरफेस में कोई आवेश को रख दिया, चाहे जितना भी आवेश रख ले, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितना भी हो, हम एक एक गो लेके चलते हैं, एगो का पता रहेगा तो सबके बारे में हम पता कर सकते हैं। रख दें तो यहां से यहां तक ये क्या हुआ, एरिया वेक्टर, ठीक है, एरिया वेक्टर हो गया। ऐसे कहने को तो एरिया वेक्टर है, लेकिन यहां से यहां तक ये इस क्या है, सर्किल या स्फेयर का क्या है, रेडियस है, ठीक है। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। हमने आपको ये भी बताया था कि अगर इसमें हम कोई छेद कर दें, इसमें एगो चार्ज रख दें है ना, इधर से छेद करके किसी चीज को ले जाए तो कोई असर नहीं पड़ेगा, जैसे ही सरफेस पर आएंगे मजा आने लगेगा। इसके अनसरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहां से होगा, होगा जब फील्ड ही नहीं बाबूए नहीं तो तू कहां से होगा, संभव है फील्ड ही, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का की परिभाषा क्या है, डिफिनेशन कि नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को, जब संख्या नहीं है तो फ्लक्स नहीं होगा। तो फ्लक्स कहां होगा, सरफेस पर, क्योंकि चार्ज सरफेस पर है। जब सरफेस पर चार्ज है तो देखियो इसका, इस सरफेस का एरिया यही ना है, ये सरफेस हुआ, इसका एरिया क्या होगा ये बताओ, इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा, सरफेस का सीधे परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ई भी क्या होगा, इसी के डायरेक्शन में होगा, होगा कि नहीं होगा। तब इन्होंने क्या कहा कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स क्या होता है, सरफेस इज इक्वल टू, बराबर होता है 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इन क्लोज सरफेस, माने सरफेस के द्वारा, इस पृष्ठ के, बंद पृष्ठ के द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी इनके अनुसार कि यह जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स फ्लक्स कितना होता है,
ई डी एस कॉस थीटा, यही ना होता है या नहीं? तो ई डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रल, यही ना होता है? जब डॉट दे दिए तो कॉस थीटा कहाँ? बकलर पर पावर पांच छो आज, चलो ये को ज्यादा है तुम, हमको पता नहीं था। ये टोटल फ्लक्स क्या होगा? टोटल आवेश इनक्लोज बाई सरफेस, यानी पृष्ठ के द्वारा घेरे गए कुल आवेश, कुल आवेश कितना है? अगर रहता तू बाद में बताएंगे, चलो क्यू का मतलब क्या लिखे? वन बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, यानी उतना बार उतना गुना वन बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि टोटल फ्लक्स क्या होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है? इनके द्वारा गॉस का नियम यही है। आज का क्लास खत्म। नहीं तो तोहनिये जैसा बकलोल कोनो स्टूडेंट था, हाँ माने का कहल जाले बतख के लोल जैसन लोल बा, वो करे के बकलोल कहल जाले, है ना? अब देख है, देखो तो बकलोल स्टूडेंट था तो कहा कि ये सर अब तो कह दिए तो कैसे लिख रहा है ना नीचे कि कैसे हमने मान लिया। तब उन्होंने क्या कहा कि बेटा नहीं कैसे मानोगे, तब लो क्या प्रूफ। प्रूफ का मतलब क्या हुआ? सत्यापन, ठीक है? प्रूफ कीजिए कि कैसे हुआ। तो आप देखिए इन दिस फिगर, इस फिगर में ये रेडियस है, इस क्लोज सरफेस का रेडियस है ना? तो हमने बताया कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है तो फ्लक्स भी नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होता है? सरफेस पर, पृष्ठ पर। तो फ्लक्स कहां होगा? फ्रिज पर। तो फ्रिज पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन? ये एरिया वेक्टर कौन? जैसे ये था, इसका एरिया वेक्टर हम मारते थे ऐसे, ये सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर ऐसे। जब एक गेंद हम ले लिए गेंद, तो सरफेस उसका तो क्या है? स्फीयर के जो भी आएगा परपेंडिकुलर आएगा सरफेस के, कहीं से भी आएगा या नहीं? तो आएगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक क्या ले लिया सरफेस पर, क्या लिया? स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया हम लोग लेते हैं, इसको क्या कहते हैं? डीएस कहते हैं या नहीं कहते हैं? हो गया। और ये क्या हो गया? एरिया वेक्टर हो गया। तो डीएस क्या है? कंसीडर मैंने विचार किए, माने सोचे, डीएस स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया डीएस, ठीक है? डीएस कंसीडर कर लिया हम, कोई दिक्कत? तो क्या कर दें हम? यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं क्लोज इंटीग्रल कितना? ई डी एस, इसको अगर तोड़ेंगे हम, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होता है? ई डी एस कॉस थीटा। चलिए अब देखो, यहां फाई ये रहने देते हैं, फाई बराबर ई डी एस, इंटीग्रेशन इसका कर देंगे तो इंटीग्रेशन हो गया ई डी एस कॉस थीटा। थीटा यहां देखो तो थीटा क्या है? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बताए हैं। थीटा क्या है? विद्युत क्षेत्र और
सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर है ना, सरफेस का एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर किधर, इसी एरिया वेक्टर किधर, इसी डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इसी डायरेक्शन में। तो एंगल थीटा कितना है, अगर डायरेक्शन कुछ चेंज होता तब ना होता, तो थीटा कितना होगा, जीरो। तो कॉस जीरो डिग्री हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, है? दे सकते हैं कि नहीं, नहीं दिख रहा है, आधा दिख रहा है। अच्छा तो इसको हम पूरा दिखाते हैं, तो फाई इज इक्वल टू क्या दे दें, बोलो, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस कितना डिग्री होएगा, ठीक। अब देखो फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस जीरो डिग्री का वैल्यू कितना होता है, वन। वन में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो इतना ही बच जाएगा, एक लाइन दिख रहा है। तो फाई, अब ये बता चार्ज जो हम इसमें रखेंगे, चाहे एगो रखें, दूगो रखें, तीन को रखें, आठ को, 48 को, 22 को, जय गो मान होता है, गो रख दे, रख सकते हैं, तो रख सकते हैं। तो जितना चार्ज रखेंगे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हर जगह क्या होगा, बराबर होगा, यानी यूनिफॉर्म होगा, वह चेंजिंग वेरिएबल नहीं होगा। ऐसा नहीं कि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगल, बाद में कुछ होगल, अभी धीरे धीरे रोई थी, एक लपड़ा और लगल तक उसके चिल्लाए लगनी, वेरिएबल नहीं है, उस सुर ताल में रोता है नहीं, तो ये वेरिएबल है, बोलो नहीं है। तो ये इंटीग्रेशन का क्या नियम है, जो वेरिएबल टर्म नहीं है, जो कांस्टेंट टर्म है, उसका इंटीग्रेशन 76 साल पहले पढ़ा है। तो ये बाहर, भीतर कौन, ए भीतर कौन, डीएस लिख, क्यों, क्योंकि डीएस तो वेरिएबल है, यहां 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 सबको जोड़ेंगे। अब देख फाई इज इक्वल टू ई है ना, तो ई आगुने एस 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 डीएस 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 का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा, सरफेस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। अब देखो, अब फाई बराबर ई के लिए बेटा तुम लोग पढ़े हुए हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 1/4 pi epsilon naught इंटू क्यू अपॉन होता है, अच्छा ठीक। अगुने ये सरफेस है किसका, गोला का, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 pi r होता है, ये स्फेयर है कि नहीं, स्फेयर, चूंकि एस सरफेस किसका, इस क्लोज यानी गेंद, गोल है तो गेंद होगा, तो क्या हो गया, गोला, स्फेयर, स्फेयर का सरफेस क्या होता है, 4 pi r square दिख रहा है ना उधर साइड में, ये नहीं दिख रहा, कहे नहीं दिख रहा है, 4 दिख रहा है, पाई आर नहीं दिख रहा है, बड़ा गड़बड़ हो रहा है, तब तो गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ कैसे होगा। देखो अब फाई इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर अगुने सरफेस का क्या हो जाएगा, 4 pi r हो जाएगा, अब तो दिख रहा है, ये स्फेयर है, 4 pi r क्यों आया, समझ में आया ना, क्योंकि यह गोला है, सरफेस है, सॉरी स्फीयर है, स्फीयर का 4 pi, अब 4 से 4 जाई हैं, अब पाई दोनों भाई मिल जाई हैं, यो चल जाई हैं, तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या बचा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या गॉस ने यही कहा था, प्रूफ हो गया,
कि क्यों ऐसा होता है कि नहीं हुआ प्रूफ, समझ में यहां आया कि नहीं आया? अगर कहीं प्रॉब्लम है तो अभी का अभी पूछ ले। मिसाइज लंबू जी, टिंकू जी नहीं है तो चलिए नोट कीजिए। अब चलो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है गॉस। देखिए सबसे पहले जानिए कि गॉस लॉ को हम गॉसेस थ्योरम भी कहते हैं। किसी किसी बुक में गॉसेस थ्योरम आएगा, किसी किसी में गॉस लॉ आता है। गॉसेस थ्योरम यानी गॉस का प्रमेय है ना, गॉस का प्रमेय उसका हिंदी होता है। थ्योरम तो आप पढ़े हैं, तो इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है ना। तो देखिए फर्स्ट टर्म है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डू नॉट डिपेंड ऑन गॉसेस सरफेस, यानी कि गॉसीय सतह पर विद्युत फ्लक्स निर्भर नहीं करता है। सतह कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए, लेकिन वो टेढ़ बा की बाकुल बा उस पर निर्भर नहीं करता है। कहने का मतलब यह है कि मान लो कि यहां एक नंबर में क्यू चार्ज हमने दे दिया, तो इसका फ्लक्स क्या होगा? एक नंबर में यह है तो फ्लक्स फाइ वन होगा ना जी, फ्लक्स फाइ वन हम दे देते हैं। दूसरा मान लो कि ये क्यूबिक है, होगा। अगर यहां क्यू चार्ज है तो इसमें का भी फ्लक्स क्या होगा? मान लो ये क्यू टू है दो नंबर का। तीसरा फिगर टेरबाकुल अमीबा हो गया, हाँ हो गया। इसमें भी क्यू चार्ज है, क्यू थ्री है, क्यू टू है, चार्ज बराबर अगर है तो यहां तीन नंबर है तो इसका फ्लक्स क्या होगा बोलिए? फाइ थ्री होगा। तो यानी फाइ वन बराबर फाइ टू बराबर फाइ थ्री, यानी तीनों फ्लक्स क्या होगा आपस में? बराबर होगा। उस तो जब फ्लक्स बराबर हो गया तो सतह पर निर्भर किया, अंतर क्या है कि ये भी बंद है, ये भी बंद है और ये भी, तीनों क्लोज सरफेस है और चार्ज इक्वल है। चार्ज सब पर, इस पर भी क्यू 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 इक्वल है तो वह सरफेस पर निर्भर नहीं करता है, है ना। कॉम्बी फ्लाम टैबलेट दे देंगे, हाँ ऐसा नहीं है कि लमकी पर ज्यादा असर करेगा और लंबाई में तनी छोट है तू तो कम असर करेगा, असर बराबरे करेगा, करेगा कि नहीं? असर तो बराबर करेगा। अब देखो तो इसका मतलब समझ गए कि सरफेस पर निर्भर नहीं करता है। दूसरी बात देखिए, गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन आवेश का वितरण, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम बताए थे, सरफेस पर आवेश का वितरण हर जगह सिमेट्रिक यानी समान, एक समान होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे दो कूलम होगा, यहाँ तीन कूलम होगा, यहाँ आधा कूलम होगा, यहाँ 0.2 कूलम होगा, ऐसा नहीं होगा। हर जगह क्या होगा? इक्वल होगा, तो फ्लक्स भी इक्वल होगा। तीसरी बात क्या है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सिमेट्रिक एट ऑल पॉइंट। अरे बुरबकवा, जब चार्ज हर जगह समान होगा इक्वल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसका कि अलग अलग हो जाएगा? नहीं ना होगा। लाइम बाजार से आम खरीद के तो रस ओकर कठ जामुन के थोड़े मिली। तो जब चार्ज समान है तो फील्ड क्या होगा? इक्वल होगा, और फील्ड इक्वल होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इक्वल हो। एंगल बिटवीन ई एंड ए मस्ट बी सेम, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का जो एंगल है सतह पर हर जगह बराबर होना
चाहिए। अगर बराबर नहीं होगा तो बीटा फ्लक्स चेंज हो जाएगा, ऐसे तो चेंज होगा नहीं क्योंकि चार्ज बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर तो फ्लक्स भी। लेकिन मेरा काम है बता देना कि बबुआ रोड पर चली है तो बायां साइड से चली है, बीच से मत चली है। अब है कि नहीं, ये तुम जानती होगी चलना है लेकिन फिर भी गार्जियन घर से निकलती हो तो समझाता है ना। अगली बात क्या होगी कि चार्ज आउटसाइड ऑफ सरफेस, मान लिया कि ये कोई सरफेस है ना, यहाँ चार्ज प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, तीन चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, ये चार्ज है। तो फॉर्मूला में जो हम चार्ज का यूज करेंगे, किस चार्ज का, सरफेस के अंदर जो चार्ज है बाहर वाले चार्ज को टाटा बाय बाय कर देंगे कि तुमसे हमको मतलब नहीं है। हमने क्या लिखा, चार्ज आउटसाइड ऑफ सरफेस विल नॉट बी यूज इन फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला में बाहर वाले आवेश का यूज नहीं होगा क्योंकि हम गॉस सरफेस क्या कहता है, क्लोज सरफेस, बंद सरफेस, अंदर बंद होगा तो कमरे के अंदर बाहर नहीं। समझ में आई बात। अब तीसरा चीज, सॉरी छठा चीज और लास्ट चीज, इसको नोट कर लिए हैं, हैं मिटा दें। अगर मान लो किसी इरेगुलर शेप है, ये सेफ है और इसके सेंटर पर कोई चार्ज है, सेंटर में चार्ज रखा हुआ है केंद्र में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा, इधर भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, कहाँ, अंदर में ना ही होएगा, कहाँ होगा, सरफेस पर, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, होगा ना। तो मान लिया फाई नेट क्या होता है बताइए, नेट फाई कितना होता है अकॉर्डिंग टू गॉस, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, कुल आवेश सॉरी कुल फ्लक्स होता है। लेकिन इफ एन सरफेस, सरफेस है ना, कितना सरफेस, एन सरफेस, एन का मतलब नंबर ऑफ सरफेस, ये भी है सरफेस, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सिमेट्रिकल है ना, तो टोटल फ्लक्स तो उतना ही होगा, टोटल इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स जो है उतना ही होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इंडिविजुअल लगाएंगे तो हम क्या करेंगे बोलिए, इसमें कर देंगे, इसका जो फाई होगा इंडिविजुअल क्या होगा, वन बाई एन, वन बाई एन गुने फाई, वन बाई एन गुने फाई, यानी कि क्या फाई बाई एन, या मत लिखो वन बाई एन और फाई का मतलब क्या, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्यू बटा एन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आई बात ना, एन सरफेस हो, दो तीन चार पांच आठ बारह, तो एन का मतलब क्या हुआ, दो तीन चार पांच संख्या, जितना सरफेस होगा उसको हम ऐसे निकालेंगे। ये तो एक सरफेस के लिए निकाला गया, गॉस ने कहा अगर एन सरफेस हो तो उतना में एन से गुना कर देंगे। हमने कहा कि पांच तीन रुपया में पार ले जी है ना, ये कहती है पांच को तो पांच गुना तीन, यानी एन गुने तीन, वही ना। अब देखो एक पानी चुई थी पार्ले जी के नाम, जो छोड़ दी थी ऊपर वाला, घरे जाके पहुंच लिए जो चल।